अस्सलाम वालेकुम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ के मॉडिफायर्स को पढ़ा था और आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हमने लिस्टिंग कैसे किया करनी है अपनी HTML फाइल के अंदर। जैसे लिस्टिंग होती है 1, 2, 3 के थ्रू होती है और डॉट 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 आ रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप की लिस्टिंग होती है, तो मैं आज आपको लिस्टिंग का बताऊंगा। तो उसके लिए जो है मैं फिर से अपने आता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ listing.html। listing.html मैंने इसका नाम रखा, सेव किया, ये सेव हो गया। HTML टाइटल में दिख गया लिस्टिंग, ठीक है। तो हमारे पास HTML जो है दो टाइप की लिस्टिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास जो डॉट डॉट आ रहे होते हैं उसके लिए होती है, तो उसके टैग यूज होता है यूएल का। यूएल आपने ओपन किया और यूएल बंद किया। हमने जो भी लिस्ट आइटम देने हैं हमने इसी टैग के अंदर देने हैं, अदरवाइज हमारी लिस्ट सही से प्रॉपरली शो नहीं होगी। तो मैं अब लिस्ट आइटम का टैग हमारे पास होता है li के नाम से, इसको हमने लिखा। अब मैंने लिख दिया item1 li, या ऐसे करके मैंने item2 हुआ, item3 हुआ एंड item4 हुआ। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ, Ctrl+S किया मैंने, मैं आया अपने इस फोल्डर में, मेरे पास एक फाइल बन गई होगी लिस्टिंग के नाम से। मैंने इसको ओपन किया, और मैं अब आ गया यहाँ पे अपने, देखें तो आपको दिख रहे होंगे हमारे पास चार आइटम आ गए और डॉट डॉट के अंदर है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अभी हमें पता नहीं है कौन सा ऑर्डर इसका क्या है, लेकिन डॉट डॉट डाल दिया item 1, item 2, item 3। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने ऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपल सा है हमारे पास, जैसे इसके लिए यूएल यूज किया है हमने, ऑर्डर के लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल यूज होगा। जैसे यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट और ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो इसके लिए सिंपल टेक का ओएल, इसको हमने ओपन किया, बाकी सेम फंक्शनलिटी रहेगी, li के आइटम सबने इसमें रख देने हैं। अब इसके अंदर आप देखिएगा item 1 item 2, तो इसकी लिस्टिंग 1 2 3 करके आ रही होगी। हम इसको सेव कर लिया, अब दोबारा से इसको ओपन करते हैं, इस फाइल को किया शेयर किया, तो आप देख रहे होंगे जैसे 1 2 3 4 ये हमारे पास आ गई है। तो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में हमने देखा हमने लिस्टिंग कैसे करनी है, दो टाइप की लिस्टिंग को हमने पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, और इसके अलावा भी काफी डिफरेंट टाइप की लिस्ट होती है, ए बी सी के थ्रू होती है या फिर आगे करके थोड़ी लिस्ट होती है वो होती है। तो वो आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से, तो वो आपके समझ आ जाएगा, तरीका आपको समझ आ गया। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपनी फाइल में इमेज को कैसे लगाना होता है, जैसे हम पेज पे इमेज कैसे शो करवानी है। थैंक यू।